या मैम दादा सॉरी मैम रागिनी मैम या मैम रागिनी मैम रागिनी मैम रागिनी मैम रागिनी जी क्या आप मैम रागिनी मैम सामने ही रागिनी मैम रागिनी जी मैम यहाँ पे खिला कह रहे मैडम यहाँ पे नाम वन मोयो कैमरा आने वाला है मैम कुछ पोज तो ऐसी कुछ नहीं सारा मिल रहा रागिनी जी यहाँ पे यहाँ पे एक बार रागिनी मैम तो रागिनी आपको बड़े पर्दे पर हम देखने वाले हैं और उसके लिए काफी तैयारी भी चल रही है फोटोशूट भी जी आज फोटोशूट किया है हमने 4 अगस्त को मेरी फिल्म आ रही है जिसका नाम है गुड़गांव और मैं दर्शकों से दरख्वास्त करूंगी कि प्लीज़ जाके 4 अगस्त को गुड़गांव को एक मौका दें देखें अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में बहुत दिल से बनाई हुई फिल्म है और बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है एक अलग तरह का किरदार में आप मुझे देखेंगे वैसा नहीं जैसा मैंने पहले किया हुआ है प्लीज़ जाके देखें 4 अगस्त सिर्फ आपके लिए खास नहीं होने वाला पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए खास होने वाला क्योंकि वो एक ऐसा दिन होगा जो क्लैश करेगा जी शाहरुख खान की फिल्म के साथ वो तो शाहरुख सर इज़ लाइक अप देयर यू नो इट्स लाइक आई द फर्स्ट टाइम जब मुझे पता चला कि 4 अगस्त को फिल्म आ रही है तो मैं डर गई मैंने बोला मैंने ठीक सुना ना कि आप 4 अगस्त को फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं मैंने बोला हाँ हम 4 अगस्त को रिलीज़ कर रहे हैं देखिए उनके साथ तो आई वुड लव टू वर्क एंड यू नो इट्स लाइक इट्स अ ड्रीम टू वर्क विद शाहरुख सर सो हमारी फिल्म की जो नसीब में होगा वो होगा हाँ बट वी आर वेरी श्योर ऑफ आर कॉन्टेंट इट्स अ ग्रेट फिल्म एंड आई कैन अश्योर यू दैट है ना आपके पोस्टर में हमने देखा आपके चेहरे पर स्क्रैच है वो माजरा गया उसका मतलब है क्या है देखिए वो जो स्क्रैच है ना उसका एक कारण है और वो जैसे जैसे आप आगे पब्लिसिटी और कैंपेनिंग फिल्म की शुरू होती जाएगी वैसे वैसे वो रिवील होता जाएगा कल हमने एक फर्स्ट कैरेक्टर लुक लॉन्च किया कैरी सिंह का पंकज त्रिपाठी जी का और पहला पोस्टर हमारा लॉन्च हो गया तो अभी बस धीरे धीरे इट विल अनफोल्ड बिकॉज इट्स अ क्राइम थ्रिलर इन अ नोवा स्पेस सो इट विल अनफोल्ड स्लोली बहुत बहुत फ़र्क है बड़े पर्दे पर डिटेलिंग ज़्यादा होती है बड़े पर्दे पर बहुत बारीकी से काम होता है और बहुत इंटरेस्टिंग काम होता है छोटे पर्दे पे भी मैंने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे भी मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ मुझे दोनों पसंद है आपके नज़रिए से टीवी और फिल्मों का दायरा कितना कम हुआ है देखिए टीवी की जो रीच है ना वो हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं टीवी सबके घरों में है और सिनेमा एक दूसरा माध्यम है माध्यम का फ़र्क है आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट ही है आर्टिस्ट तो कहीं भी परफॉर्म करता है मैं थिएटर में भी परफॉर्म करूँगी ऐड में भी परफॉर्म करूँगी टीवी में भी और फिल्म में भी तो अभी मेरी फिल्म आ रही है तो फिल्म जाके देखें प्लीज़ तो अगर हम बात करें तो आपने बताया कृष्णा सर के भी शो में भी आप जाएंगे तो कपिल शर्मा के शो में भी आप जाएंगे तो आई वुड लव टू गो इन कपिल शो आई वुड लव टू गो इन ऑल द शोज एज फार एज माई फिल्म इज़ कंसर्न आई वुड लव टू टेक माई फिल्म टू एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड मैं चाहूँगी मेरी फिल्म जितनी रीच करे अपनी ऑडियंस को उतना बेहतर है थैंक यू गाइस थैंक यू प्लीज़ वॉच गुड़गांव ऑन 4th of August अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में यहाँ पे किसी की गारंटी ना है कैमरामैन का फोन आ रहा है वो अपनी फोटोग्राफ